तो बालाघाट के लांजी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोविड सेंटर में नगर परिषद सीएमओ पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया। लांजी के कोविड सेंटर में अपने परिजन की मौत के बाद शव मांगने पर लड़के के साथ नगर परिषद सीएमओ देवेंद्र मर्सकोले ने मारपीट की है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पीड़ित के साथ जाकर लांजी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये देखिए तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें, जब कोविड सेंटर से आती है, जहां पर पहले से ही जो मरीज है, जो मरीज के परिजन है, वो परेशान है, और जब किसी की मौत हो जाती है और उस वक्त जब वो अपने तस्वीरें, वाकई में शर्मनाक करने वाली तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, देवेंद्र साहब सीएमओ हैं, जिम्मेदारी है इनके कंधों पर कि कैसे व्यवस्थाओं को बनाया जाए, लेकिन ये व्यवस्था किस तरह से बना रहे हैं, इनकी संवेदनशीलता देखिए जरा, देवेंद्र साहब की संवेदनशीलता कि धड़ाधड़ ये चाटे लगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस वाले भी वहां पे खड़े हुए हैं, कमर पे हाथ रख के खड़े हुए हैं, कई लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पे जहमत इस बात की नहीं उठाएगा कि भाई बीच बचाव कर लिया जाए या समझा लिया जाए कि भाई क्या बात हो गई, आप इतने आग बबूला क्यों हो गए, क्यों इस तरह से आप हाथ छोड़े जा रहे हैं, लेकिन नहीं। राजबिसेन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजबिसेन, क्या वर्कलोड ज्यादा है यहाँ पे देवेंद्र साहब के सर पर, कंधों पर, जो मतलब पीड़ित परिजनों से, जो मरीज के परिजन है जिसके यहाँ मौत हो गई है, उससे वो इस तरह से मतलब बिहेव करेंगे, यही संवेदनशीलता है? जी रस्क, मैं आपको बता दूं कि संवेदना जो है इस समय मर चुकी है उनकी, ऐसा दिख रहा है इस वीडियो में, और उन्होंने जो ये संवेदनशीलता का जो परिचय दिया है ये बहुत निंदनीय है, बहुत गंदा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था एक पदाधिकारी होने के नाते। ये मामला है ग्राम सिरे गांव निवासी विजय कालबेले के बड़े पिताजी की डेथ हो गई थी, और उस पर उन्होंने 25 अप्रैल की रात में जब उनकी शव ही तो मांगा था ना, कराया गया था जी, शव ही तो मांगा था राजबिसेन, शव ही मांगा था कि भाई अंतिम क्रियाएं भी करनी होगी, शव ही मांगा था। शव मांगने के उपरांत उन्होंने दो बार उन्होंने कहा कि भाई सर हमें हमारा शव दे दीजिए, हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, और या फिर अगर वो निगेटिव पॉजिटिव है तो उनकी रिपोर्ट दे दीजिए। रिपोर्ट नहीं दी गई और शव नहीं दिया गया, और साथ में मर्सकोले के द्वारा इस तरह से मारपीट करना शुरू कर दिया उस, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय पुलिस प्रशासन वहां साथ में खड़ा है, वो मुख दर्शक बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। जिले के एसपी कौन है इस वक्त, और जिनको मतलब ये नहीं पता है कि जहां पे पुलिस को बीच बचाव करना चाहिए, जहां पे पुलिस की संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां पे देवेंद्र साहब के मतलब जिस तरह से देवेंद्र साहब की जो तस्वीरें सामने आ रही है मारपीट की, वहां पे मतलब मुख दर्शक बन के पुलिस खड़ी हुई है, क्या कर रहे हैं कल वहां पे जो एसपी साहब है वो, फिर यही उनका लॉ एंड ऑर्डर है? जी, उनका लॉ एंड ऑर्डर का पालन यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा साफ दिख रहा है। यहाँ पर जिले में अभी एसपी अभिषेक तिवारी हैं और उनके उनका कार्यकाल अच्छा चल रहा है, ये सही है, लेकिन कुछ कुछ अधिकारी कर्मचारियों की गलतियों की वजह से कहें या कहें कि लापरवाही की वजह से ये इस तरह के दृश्य देखने को अक्सर मिलते हैं, चाहे वो चौक चौराहे की बात हो, चाहे मुख्यालय की बात हो। दो आरक्षक जो इस वक्त खड़े हुए हैं, जो विजुअल में दिख रहे हैं, एक प्रधान आरक्षक है, एक आरक्षक है, ये है कौन? जिम्मेदारी तो इनकी भी है भाई, कमर पे हाथ रखे खड़े हुए हैं, डंडा लिए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब ये पीछे से क्या कमेंट्री करने के लिए खड़े हुए थे? जिस तरह से वीडियो दिख रहा है उसमें तो यही साफ नजर आ रहा है कि ये मुख दर्शक बने हुए थे, ये देख रहे थे कि देवेंद्र मर्सकोले जिस तरह से उसे मार रहे हैं, देवेंद्र मर्सकोले को भी उन्होंने नहीं रोका। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि संवेदनाएं जब मर जाती हैं तब इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। क्या कार्रवाई हुई इस पूरे घटनाक्रम पर? ये इतनी मतलब इस संवेदनशील, जहां पे संवेदनशील मुद्दा है, जहां पे संवेदनशील दृश्य होना चाहिए, वहां पे इतनी असंवेदनशीलता, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जिम्मेदारों के संज्ञान में ये मामला आया भी कि वही चीज है कि नहीं भाई संज्ञान में आने के बाद भी हम आग का नाक नहीं खोलेंगे? बड़ी बात तो यही है कि इसमें ये जो सीएमओ बताए जा रहे हैं ये भाजपा से संबंधित बताए जा रहे हैं, भाजपा के किसी बड़े नेता के पुत्र बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब सारा शासन प्रशासन इस समय मौन नजर आ रहा है। सत्ता की हनक इस तरह होती है कि अगर जिम्मेदार पदों पर बैठा दिया जाए तो तस्वीरें कुछ इस तरह की आती हैं जो इस वक्त बालाघाट जिले के लांजी से दिखा रहे हैं, जहां पर एक तो कोरोना ये भी नहीं पता कि जो मृतक है वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था,
सवाल सिर्फ इतना था कि परिजनों ने कह दिया कि अगर रिपोर्ट दे दीजिए तो हम अंतिम क्रियाओं को अंजाम दे दें, तो यहाँ पे देवेंद्र जी तो आग बबूला हो गए, उनसे रहा नहीं गया। उनको लगा कि भाई हमसे कैसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है, हमें देनी होगी तो हम देंगे, नहीं देना होगा तो हम नहीं देंगे। बस बात सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पे वो अपना आपा खोते हुए उन्होंने, जैसे आईपीएल में बल्लेबाजी चलती है वैसे यहाँ पे उन्होंने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। और पुलिस भी यहाँ पे माशाल्लाह कि यहाँ पे जिस तरह से कमर पे हाथ रख के वो पूरा घटनाक्रम देख रही है, बीच बचाव की जहमत तक नहीं उठाई। जिम्मेदारों ने यहाँ पर अभी तक इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया, ना ही यहाँ पे देवेंद्र मर्सकोले पर कोई अभी तक कार्रवाई की गई है, सीएमओ हैं, और ना ही जो जिले के कप्तान हैं उन्होंने इन दोषी पुलिस कर्मचारियों पर अब तक कोई एक्शन लिया है। तो देश में वैसे भी, प्रदेश में वैसे भी ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है। अगर आपका कोई परिजन, अगर भगवान भरोसे अगर आप उसको अस्पताल ले गए हैं और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर आप पिटने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें हम आपको बालाघाट के लांझी से दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजवी से तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को चलते चलते एक बात और यहाँ पे जरूर बता देते हैं कि हमने तमाम जिम्मेदारों को फोन करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की और ये भी पूछने की कोशिश की कि आप बताइए आखिर इस तरह की संवेदनशीलता जब सामने आती है तो आप क्या कार्रवाई करते हैं, तो यहाँ पे जिम्मेदार फोन उठाने की जहमत नहीं उठाते। Come on, come on, come on, come on, come on.